वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि BBSP जौनपुर, सभी स्टूडेंट्स के लिए दो बहुत बड़ी अपडेट्स हैं और इसमें हम लोग रिजल्ट रिलेटेड बात करेंगे। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा तिथि के बारे में बात करने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो अवश्य देखेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उससे अवश्य ज्वाइन हो जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें, साथियों को शेयर करें, उनको भी अपडेटेड रखें जिससे कि सभी लोगों को अपडेट मिलता रहे और कोई भी परेशानी नहीं होने पावे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल्स में दोनों जानकारी हम आप सभी छात्रों को देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले अपडेट की बात करें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी बी एड एम एड बी पी एड इन्हीं सभी छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया है। और जो BA BSc BCOM के स्टूडेंट हैं उन छात्रों की अगर हम बात करें, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर को हों या फिर सेकेंड ईयर को हों या फिर थर्ड ईयर, तो इन छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है और बारीकी से आपको जानकारी हर पल की अपडेट्स दिया जा रहा है कब क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें रिजल्ट संबंधित अपडेट की, तो जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि जो BA और BSc BCOM में प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन छात्रों का जो आंतरिक मूल्यांकन का नंबर है उसे 22 तारीख तक मंगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग जानते रहिए कि 22 तारीख तक इनको भेजना है आपके कॉलेज वालों को आपके यूनिवर्सिटी तक। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि फिर उसके बाद भी थोड़ा सा वक्त लगता है और फिर रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और बाकी जो वार्षिक वाले छात्र हैं उनका तो हम हर पल अपडेट दे ही रहे हैं और बता ही रहे हैं कि कब उनका रिजल्ट आएगा, और इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि वार्षिक वाले तो लास्ट में ही रहेंगे और उससे पहले सेमेस्टर वालों का रिजल्ट आएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का क्या लेटेस्ट अपडेट है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, जो BA BSc BCOM के स्टूडेंट हैं, हम उन्हीं की केवल बात कर रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से बता दें। तो यहाँ पर उन छात्रों का बताना चाहूँगा कि देखिए अभी आप लोगों का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में चल रहा है, यानी कि अभी वो जारी नहीं किया गया है, और एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ों पर तेज़ी से काम कर पाएगा। और फिलहाल तैयारी धीरे धीरे चल रही है सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कराने की, तो जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा उसके कुछ ही दिनों बाद आपका जो है एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। अगर बात करें कि चांसेस कब बन रहे हैं, तो आप सभी छात्रों को बताना चाहूँगा कि जो चांसेस हैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि जुलाई एंड में या फिर अगस्त में आपकी परीक्षाएं कराने का पूरा प्रयास आपकी यूनिवर्सिटी करेगा, क्योंकि उसको भी सत्र नियमित करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं आप सभी छात्रों के लिए रिजल्ट और एग्ज़ाम संबंधित। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहे नया इन्फो चैनल के साथ।